सर भीम साहब बोल रहे हो? सर हरमेश बोल रहा हूँ, गाड़ी हमारी खाई में गिर गई। आप ठीक है ना? हैं दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी बजे हैं 8 और आज भी मौसम पूरा ठंडा है। अभी देख रहे हैं ये पूरी हरियाली चारों तरफ और ठंड काफ़ी बढ़ रही है दोस्तों। अपना भी ध्यान दें, अपने बच्चों का ध्यान दें और ठंड से बचें, क्योंकि ना इस ठंड में कोई बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी। धूप का नाम नहीं, धूप आने से ना थोड़ा ठंड कम हो जाती है, लेकिन धूप बहुत ही कम आ रही है। मतलब अभी 10 दिन हो गए यहाँ पर धूप नहीं आई है। और दोस्तों, आज वीडियो बनाने का खास कारण यह था, जो वजह थी वो बहुत ही दुख भरी कहानी है, दुख भरी बात है, क्योंकि हमारे जवानों के साथ ऐसा हमेशा होते रह रहा है। पता नहीं ऊपर वाला भी क्या कर रहा है। तो दोस्तों, अभी कल परसों मेरे पास वीडियो आई, ये परसों की बात है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। वीडियो में एक बार आपने सुना होगा, इससे पहले भी सिक्किम में एक हादसा हुआ, सड़क हादसा, सेना का जो गाड़ी खाई में गिरा, उसमें मेरा ही और दोस्त जो कक्षा 6 से इंटर तक हमने एक साथ पढ़ाई की थी, रविंद्र सिंह थापा, उसकी भी डेथ हुई, वो भी। और अभी वैसे ही घटना BSF के साथ हुई है। BSF की गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी के लिए मिजोरम नागालैंड जा रही थी, तो नागालैंड, क्योंकि मिजोरम का जो रास्ता है ना इधर नागालैंड साइड, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, डेंजर और खाबड़ और बहुत ही ख़राब रास्ता है वहाँ का, और पहाड़ी एरिया है। जो BSF का बस था वो पलट गया और रोड के नीचे खाई में गिरी है वो भी, और लोग निकाल रहे हैं रस्से से जो दबे हुए लोगों को, और डेथ होने की कोई खबर नहीं मिली अभी। अभी गंभीर चोटें आई लोगों को, और किसी के पैर टूटे हैं, किसी के और माथे पे लगी, किसी की आंख पे लगी, मतलब ऐसा लग रहा है किसी आंख भी चली गई, ऐसा लग रहा है आंख फूट गई या पट्टी बांध रखी है। तो काफ़ी बुरा हो रहा है, कभी आर्मी की गाड़ी गिर रही है, कभी BSF की गाड़ी गिर रही है, तो काफ़ी मतलब न्यूज़ सही नहीं मिल रही है। 2023 शुरू होने से पहले भी हमारा सेना का ट्रक चला गया, और अभी 23 में हमारा जो है नए साल में हमारा BSF का जवान का ट्रक, लेकिन किसी की डेथ नहीं हुई, यही खुशी की बात है। और बाकी तो चोट तो बहुत ज़्यादा आई है लोगों को, किसी का पेट टूटा है, किसी का और भी जख्मी हुआ है। उसको तो बताया जा रहा है कि जो SSB की फेस्टिवियन की गाड़ियाँ थी वो भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए जा रही थी, SSB के जवान, उन लोगों ने बचाव कार्य किया और उन लोगों को बचाया जो BSF के जवान थे। और बताया जा रहा है कि जो BSF की गाड़ी थी आगे थी और SSB गाड़ी उनके पीछे थी, और भी BSF के जो है कि जवानों की गाड़ियाँ थी, और SSB और BSF दोनों मिलकर जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हुई है वहाँ से लोगों को बाहर निकाला है और उनको बचाने का काम किया है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी एक्शन किया और डेथ होने से लोगों को बचा दिया, नहीं तो इतना बुरा कंडीशन हो रखा है, इतने ज़्यादा घायल हो रखे हैं लोग कि बचने का नाम नहीं था। वो जल्दी एक्शन लेने से, और जो दबे लोग थे गाड़ी के नीचे, जो भी जितनी चोट थी उनको सबको जल्दी निकाला, तो जल्दी वो लोग सुरक्षित, मतलब ज़िंदगी नहीं गई किसी की। इलेक्शन नागालैंड इलेक्शन जाते समय ये हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट, बात 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 करा दीजिए, बात करा दीजिए। जय सर, सर
सर भीम साहब बोल रहे हो? सर हरमेश बोल रहा हूँ, गाड़ी हमारी खाई में गिर गई। हाँ ठीक है ना, गाड़ी में सबका हुआ अपन गाड़ी में थोड़े बहुत बंदे को निकाला उसके बाद अभी हमें वो अपन को ध्यान देना रे। पानी है बेटा, फोटो ना फोटो दीजिए, पानी देना पानी। हे भगवान क्या हो गया, पानी ज्यादा मत दो, ज्यादा मत दो, पानी मत दो, जा जा रहा जरा मत दो, जरा मत दो, पानी नहीं। अबे अबे इसको मोड़ पर हाथ मोड़ लगा, हाथ मोड़ लगा, बोले हाथ टूटा, दूर से दूर से हवा लग रही है, हवा लग रही है, हवा लग रही है, प्लस जा रहा है। आप लोगों का वेपन कहाँ है, गाड़ी में था क्या? वेपन काफी वेपन रखे हैं वहाँ पे। अच्छा हाँ रखे रखे वेपन, इसको रुको ना, रखे रखे रहो ना, ओपन ओपन रखे रहो। अरे मोनो अरे इधर भी आता हूँ, ये शॉट लगाना इधर देखो, ठीक है अरे इन लोगों का वेपन देखना था ना, हमारा तो बिना बेट का चल रहा है गाड़ी, अरे वो अपन क्या होना उन लोगों का, आदमी ठीक है, आदमी है, आपने वीडियो देखा गया कितना बुरा कंडीशन हो रखा है, कितनी गंभीर चोटें आई, कितना मुश्किल हो रहा है, बावरी बावरी मतलब ना देखने में ही मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल बिल्कुल घबरा रहा है कि कैसे वो लोग सहन कर रहे होंगे इतनी चोटें। तो सभी लोग अब आशा करते हैं, सभी लोग दुआ करते हैं कि वो लोग जल्दी जल्दी स्वस्थ रहें और ठीक हो जाएं और अपने घर परिवार से मिलने जाएं और अपनी अपनी ड्यूटी में फिर से वैसे ही तैनात रहें और सभी लोग ठीक रहें, किसी की ज़िंदगी ना जाए और सब ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका जल्दी से जल्दी स्वस्थ